नमस्कार, सनराइज न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ सलोनी सरीन। गर्मी आते ही छोटी छोटी गलतियां या ये कह लें कि जानकारी ना होने की वजह से बिजली का बिल चौंकाने वाला आता है। अगर हम घर में यूज हो रहे प्रोडक्ट्स के डू एंड डू नॉट्स को पूरी तरीके से जान लें तो बिजली के बिल को कम किया जा सकता है। गर्मी में इस्तेमाल होने वाले एसी, कूलर, फ्रिज जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स कुछ लोगों के लिए आफत बन जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ कई लोग ऐसे होते हैं जो बिना किसी टेंशन के सभी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को यूज करते हैं, उनको बिल की कोई टेंशन नहीं होती। तो आज हम आपको ऐसे 5 आसान टिप्स बता रहे हैं जिसकी मदद से आप अपने घर में इस्तेमाल हो रहे एसी के बिल को कम कर सकते हैं। सबसे पहला, सही टेम्परेचर चुनना। आपको अपने एसी को कभी भी लो टेम्परेचर पर नहीं यूज करना चाहिए। लोगों को लगता है कि 16 डिग्री पर एसी यूज करने से उन्हें सबसे ज्यादा कूलिंग मिलेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। बी यानी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के मुताबिक ह्यूमन बॉडी के लिए नॉर्मल टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस है, और अगर आप इस टेम्परेचर पर अपना एसी यूज करेंगे तो आपका बिजली का बिल कम आएगा। दूसरा आता है, ज़्यादा एसी मॉडल्स में टाइमर की सुविधा मिलती है। टाइमर का काम ये होता है कि आपकी मशीन यानी कि एसी को एक समय पर स्विच ऑफ कर देता है, जिससे बिजली का यूज़ कम होता है। ज़्यादातर लोग रात में सोते समय भी टाइमर सेट कर देते हैं ताकि रात को सोने के बाद आपकी सुविधा के अनुसार एसी का कंप्रेसर बंद हो जाए ताकि बिजली की बचत हो सके। एसी की सर्विस, ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि आपको अपने एसी सर्विस को एक साल में केवल एक ही बार सर्विस करवाना है। अगर आप किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहां बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी होती है या फिर लंबे समय तक एसी चलते हैं, तो ऐसे में तो आपको यही सलाह दी जाती है कि आप हर 2-3 महीने बाद एसी सर्विस करवाएं। ऐसा इसलिए ताकि एसी कूलिंग करता रहे और बिजली का बिल भी कम आए। खिड़की दरवाजों का भी ख्याल रखें। एयर कंडीशनर यूज करने से पहले अगर आप कमरे की खिड़की और दरवाजे को ठीक से बंद कर देंगे तो कमरा तेजी से ठंडा होगा। साथ ही ऐसा करने से कमरा देर तक भी ठंडा रहेगा। अगर आप इन बातों का ख्याल रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपका बिजली का बिल कम आएगा। पावर ऑफ करना। एसी हो या फिर कोई भी अन्य इलेक्ट्रिक डिवाइस, उनका अगर आप यूज नहीं कर रहे हैं तो आप उन्हें स्विच ऑफ कर दें। ज्यादातर लोग एसी के रिमोट से स्विच ऑफ कर देते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस तरह आप कंप्रेसर को आइडियल लोड पर सेट कर देते हैं तो बहुत सारी बिजली बर्बाद हो जाती है। इसका नुकसान ये होता है कि आपके स्विच ऑफ करने के बाद भी बिजली का मीटर बड़ा रहता है, नतीजा भारी भरकम बिल आ जाता है। तो ये तरीके अपना के आप गर्मी में ठंडी ठंडी हवा का मजा भी ले सकते हैं और साथ ही साथ आपका बिल भी जरूर कम आएगा। तो ऐसी और वीडियोस के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहिए सनराइज न्यूज। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।